पंचायती चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा 22 अगस्त के बाद होगा इस पर विचार। हाई कोर्ट में कुछ विषय विचाराधीन होने के चलते हो रही पंचायत चुनाव में देरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में दिया यह बयान। इनेलो सुप्रीमो ओमका चौटाला उनकी राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एलावा से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं ये कानूनी विशेषज्ञ बताएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस में मचा घमासान पर कहा कि यह उनकी पुरानी रीति रिवाज, किसानों से बातचीत के दरवाजे खुले लेकिन सशर्त मंजूर नहीं। दिल्ली से पानीपत ही नहीं बल्कि अब करनाल तक आएगी मेट्रो। पेट्रोल डीजल के भाव पर कहा यह नेशनल मार्केट व महंगाई। राजनीति में फेरबदल होगा उनके बाहर आने से कुछ क्या राजबल वो एक पार्टी के अंदर पहले से भी है और वो उनकी इंडियन नेशनल लोकदल है उसके वो नेता है तो उसमें क्या चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा में आ सकते हैं वो लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं कानूनी विशेषज्ञ बताएंगे कि वो लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। 19 विधायक मिले हैं और शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की बात चल रही है तो आपको लगता है कि परिवार की राजनीति चल रही है कांग्रेस के अंदर? ये जो उनका पुराना सिलसिला वही चल रहा है उसमें कोई नई बात होगी ऐसा नहीं है। पहले भी परिवार के यानी जो राजनीति उनकी चलती है आज भी परिवार के अंदर वंशवाद उनके यहाँ चलता है और वो वंशवाद यहाँ कोई खत्म हो गया ऐसा नहीं है वही चलता वो पहले चल रहा है आज भी चल रहा है। ऐसा आज भी विरोध हुआ किसानों का विरोध तेज हो गया है बातचीत हो नहीं रही है वही समाधान वही बातचीत करनी है नहीं करनी है उनके ऊपर निर्भर करता है। हमने बातचीत के लिए हमेशा उनको इनवाइट किया है आगे भी करेंगे लेकिन सशर्त बातचीत जो होती है वो कभी भी संभव नहीं होती है। वो शर्त रख करके आना चाहते हैं कि अभी हम आएंगे तो एक ही मांग है हमारी किसानों के जो 3 बिल हैं वो वापस किए जाए कृषि बिल तो वापस होने की कंडीशन पर तो बातचीत संभव ही नहीं है। पहले काले खां दिल्ली से लेकर पानीपत तक मंजूर हुई थी अब हमने उनको कहा कि नहीं करनाल तक जानी चाहिए। करनाल भी जो कि NCR में आ गया है तो NCR होने के नाते से जो 35-30 किलोमीटर का टुकड़ा और ज्यादा बनेगा इसके अंदर भी उसका लाभ हमको मिलेगा। दिल्ली आने जाने वाले जो लोग हैं इस RRTS बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सर आपको नहीं लगता है थोड़ा सा कंट्रोल जनता बहुत परेशान है? देखिए पहली बात तो कि पेट्रोल के और डीजल के जो दाम है ये कोई हमारे आपके हाथ में नहीं है ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर सब निर्भर करता है उसी में से सब होता है और उसमें भी अगर देखेंगे तो पिछले 8 साल में 10 साल में जो प्रोपोर्शनेटली पहले बढ़े उससे कहीं बहुत ज़्यादा बढ़े ऐसा नहीं है। उस परसेंटेज में जितनी महंगाई हुई है उस महंगाई के दर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। हरियाणा बिजली की कोई कमी नहीं है जितनी बिजली किसान को चाहिए किसान को मिल रही है जितनी उद्योग को चाहिए उद्योग को मिल रही है। पंचायती चुनाव के कुछ विषय हाईकोर्ट के विचाराधीन है और 22 अगस्त डेट लगी है 22 अगस्त को उस डेट के बाद जैसा फैसला होता है उसके बाद दिल्ली जा रहे हैं कुछ हरियाणा को सौगात केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुलाकात। दिल्ली तो मेरे यानी हरियाणा के 8 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली के साथ लगते हैं वहाँ उन 8 जिलों की जो रिपोर्टें होती है मैं दिल्ली बैठ के करता हूँ वहाँ की बैठ के लेने जाता हूँ गुड़गांव जाता हूँ तब मैं दिल्ली जाता हूँ दिल्ली जाना कोई इतना बहुत